हमारी सीता ने अपने हाथों से पौधे लगाकर और उन्हीं पौधों से पुष्प तोड़कर लाकर हमें दिए हैं, ये कोई साधारण बात है? सत्य कहा ना बेटी, वर्षा जल देती है, सूर्य प्रकाश देता है, पौधों से ही जन्मा बीज जब धरती से मिलता है तब भू माता से पानी खींचकर पौधों को बड़ा करता है। प्रकृति देवी उन सभी पौधों से पुष्प खिलाती हैं। आप और माताश्री इन पुष्पों से जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान से आशीर्वाद लेकर हमारी रक्षा करते हैं। इन सबके सत्कार के सामने प्रकृति देवी के दिए हुए पुष्पों को तोड़कर लाना सामान्य सी बात है ना? महाराज, मुझे आपसे किसी धनधान्य की अपेक्षा किंचित भी नहीं है। मैं इस समय जो यज्ञ कर रहा हूं, मारिच और सुबाहु नाम के दो राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। उनसे हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है और इसी कारणवश आप अपने पुत्र रामचंद्र को मेरे साथ भेजोगे। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? राम को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूं? जी हाँ महाराज, उस यज्ञ की रक्षा केवल रामचंद्र से ही हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।